नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के युवा अब कमर कस ले। बिहार में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली के बाद कई विभागों में बंपर बहाली एक बार फिर से आने जा रही है और इसके बाद लाखों पदों को एक बार फिर से भरा जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि बिहार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में तमाम भर्तियां होने वाली हैं और खासतौर पर बिहार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में ही 4,00,000 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग में भी अब बंपर बहाली निकलने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो बिहार के युवा भी कमर कस लें। वैसे युवा जो बिहार में सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं, वैसे युवा जो बिहार में रोजगार का सपना देख रहे हैं, वैसे युवा जिन्हें बिहार में बहाली का इंतजार है, वो अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बड़ी बहाली निकलकर सामने आने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम अगर जल संसाधन विभाग की बात कर लेते हैं तो क्या कुछ रिपोर्ट्स में खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी जानिए। बिहार में शिक्षा विभाग में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के बाद अब जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने अपने यहाँ रिक्तियों की गणना शुरू कर दी है और इसके तहत सभी मुख्य अभियंताओं को रिक्तियों की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जानकारी एकत्र होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब विभाग के अवर सचिव ने इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजा है। इसमें क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न पदों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने को कहा है और इसके तहत उन्हें सभी प्रकार के पदों की जानकारी देनी होगी। इसमें स्वीकृत पद और उसके खिलाफ कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों को यह भी बताना है कि रिक्त पदों के विरुद्ध इस समय कहां कहां किस पद पर नियुक्ति की कार्रवाई हो रही है। मुख्य अभियंताओं द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी के बाद मुख्यालय स्तर पर इसकी सघन निगरानी की जाएगी। देखिए, कार्यरत कर्मचारियों की भी जानकारी देनी होगी। इसमें रिक्त पदों की गणना तो होगी ही, जिन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है उसके लिए भी आगे की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने उस 10,00,000 के वादे को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद तुरंत ही 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं से जो वादा किया, हालांकि उस वादे पर कितना खरा उतरे हैं यह अभी भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार हमला करता रहा है, युवा कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष चीजें दिख रही हैं उसे देखने के बाद यह लगता है कि बिहार सरकार अपना वादा पूरा करने की दिशा में स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रही है। और इसकी बानगी तब दिखी जब तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बड़ा ऐलान कर दिया। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस और स्वास्थ्य महकमे में लाखों पदों पर बहाली एक बार फिर से होने जा रही है। जिस बहाली की बात महीनों से चली आ रही है, वो बहाली अब मूर्त रूप दिए जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जल संसाधन विभाग में भी रिक्तियों को भरे जाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। तो जल संसाधन विभाग, बिहार पुलिस महकमा और विभाग में लाखों पद जब भरे जाएंगे तो बिहार के लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। लाखों युवा ऐसे हैं जो बिहार सरकार से बार बार यह शिकायत करते रहते हैं कि ना तो बहाली निकलती है, ना ही बहाली को निकालने के बाद समय पर परीक्षा ली जाती है और ना ही बहाली को ले युवाओं को लेकर के किसी प्रकार के नौकरी की कोई बात होती है। हालांकि महागठबंधन की सरकार बार बार नौकरी की बात करती है। तेजस्वी यादव बार बार कहते रहते हैं कि यह सुनवाई कार्रवाई और रोजगार वाली सरकार है, युवाओं को नौकरी देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमने जो वादा किया है उस वादे को हर हाल में निभाएंगे और ये वादा अब पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चली है। बिहार में आपको पता है कि 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है। अब रिजल्ट को मूर्त रूप दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे मामले में अब जब लाखों पद शिक्षा विभाग में भर जाएंगे उसके बाद सेकेंड फेज की भी तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण है वो भी शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से लाखों पदों पर बहाली आएगी। तो शिक्षक विभाग में भी बहाली आने वाली है, बिहार पुलिस में भी बहाली बंपर बहाली आने वाली है, स्वास्थ्य महकमे में भी बहाली आने वाली है और जल संसाधन विभाग में भी बंपर बहाली की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। तो बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है। तैयारी कर लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जिन युवाओं को लगता है कि बिहार में नौकरी नहीं है वो इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।